अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग भी खैरियत से हैं। तो मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो नाश्ते में मैं बनाने वाली अभी ये मूंग का तड़का मैं बनाऊँगी अपने हस्बैंड के लिए। आलू का सूखा भाजी हम सब खाएंगे। और अभी आटा मैं नहीं सानी हूँ, आटा भी मैं फट से यहीं पर खड़े खड़े सान देंगे आटा। उसके बाद देखिए मेरा रोटी पराठा और भाजी बन गया था, तो लेट हो रहा था तो मैं अयान को दे दी कि आप खा लीजिए, क्योंकि मुबशिर कराटा क्लास गए हुए हैं तो उनको टाइम लगेगा आने में। उसके बाद तड़का देखिए मैं तड़का लगा रही हूँ फ्राई करने के लिए। तड़का को प्याज फ्राई और हरी मिर्च दोनों को मैं फ्राई करूँगी। देखिए तड़का को मैं ना, मैं खड़ा मूंग था मैं उसको इतना अच्छा से मैं गला ली हूँ। जब मैं उसको गलाई थी ना, तो उसमें हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा नमक दे करके ना, मूंग को खड़ा मूंग था मैं उसे बहुत अच्छे से गला ली हूँ। और चम्मच की मदद से मैं चलाई ना, तो मतलब ज़्यादा गल जाने से अपने आप मतलब अच्छे से तड़का जो है घुल जाता है। और कुकर में 5-6 सीटी में लगा दी थी। एक अंडा मैं डाल दूंगी तड़का में। तड़का में अंडा डाल करके जब उससे फ्राई कीजिएगा ना, तो बहुत मज़ा आता है खाने में, बहुत टेस्टी बनता है। तो देखिए मैं तड़का रेडी होने वाला। देखिए मैं मूंग खड़ा मूंग को इतने अच्छे से गला दी हूँ कि मुझे घाटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा। चम्मच की मदद से ही अच्छे से मिल गए हैं। उसके बाद फिर मैं भी नाश्ता निकालूंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। तो मैं बोली चलिए गरम गरम नाश्ता भी रेडी है तो लगा दे रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग नाश्ता करने के बाद फिर हम लोग खाना का ही मतलब लगे हाथ मैं खाना भी बना लूँगी तो सही रहता है, फ्री हो जाते हैं, सवेरे खाना वाना बन जाता है। तो जब आप तड़का फ्राई कीजिएगा ना, तो बटर के साथ कीजिएगा तो इसका डबल मतलब टेस्ट बढ़ जाता है। लेकिन अभी मेरे घर में बटर ख़त्म हो रखा था, तो इसी वजह से हम बटर के साथ नहीं फ्राई किए थे। ऑयल के साथ फ्राई करके ऊपर से हम लोग घी डाल करके खाए थे। फिर भी माशाल्लाह बहुत टेस्टी बना था। अभी मैं लंच में बनाने वाली हूँ सेम बैंगन। थोड़ा सा एक आलू छोटा सा था घर में, तो मैं उसी को काट दी हूँ, क्योंकि बिना आलू का ना सब्ज़ी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। बच्चे लोग भी खाने नहीं मांगते हैं। तो मैं देखिए तेल गर्म हो गया है, तो मैं थोड़ा सा सरसों, ब्लैक सरसों मैं डाली हूँ, और एक छोटा सा प्याज को और लहसुन का मैं पेस्ट बना करके उसको मैं डाली हूँ। और थोड़ा सा मैं पानी डाल करके मसाले को बहुत अच्छे से भूनेंगे। बस जो अभी मतलब मैं पानी मिक्सर ग्राइंडर धो करके डाली हूँ बस उतने तक है। उसके बाद मैं पानी बिल्कुल बाहर से नहीं लगाऊंगी। उसके बाद मैं डाली हूँ 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। और टेस्ट के हिसाब से आपको कैसा मतलब तीखा पसंद है, उस हिसाब से आप मिर्ची पाउडर ऐड कीजिएगा। एकदम सैम्पल वाली सब्ज़ी है, लेकिन बहुत मज़े का बनता है ये सब्ज़ी। अब मैं पानी बिल्कुल इसमें ऐड नहीं करूँगी। तो देखिए मसाला बिल्कुल भुना गया है, तो अब मैं इसमें ना सब्ज़ी डाल दूंगी। पहले मैं इसमें डालूंगी जीरा और काली मिर्च पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे, क्योंकि मैं ज़ीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर ही मैं इसमें मतलब डालूंगी, क्योंकि खड़ा नहीं था जब मैं पेस्ट बनाती। तो देखिए अब मैं सब्ज़ी इसमें डाल दूंगी, बहुत मज़े का बनता है। सिंपल सा सब्ज़ी है लेकिन बहुत मज़े का बनता है ये। तो मैं इसमें आप डालूंगी सेम, क्योंकि मैं सेम अभी डाली हूँ, थोड़ा बैंगन नरम हो गया है तब मैं डाली हूँ, क्योंकि सेम को मैं बॉईल कर ली थी नमक डाल करके। सेम को बॉईल कर लेने से ना ठीक रहता है, क्योंकि सेम ना बहुत गैस बनाता है। उसके बाद फिर मैं इसमें डाली हूँ 2 बड़े बड़े टमाटर डाली हूँ। अब मैं फ्लेम स्लो ही रखी हूँ, स्लो फ्लेम पे ही सब्ज़ी बनाएंगे, हाई फ्लेम नहीं करेंगे। बीच में मीडियम फ्लेम कर लेंगे लेकिन हाई फ्लेम बिल्कुल मत कीजिएगा। बिना पानी ऐड किए हुई आप सब्ज़ी एक बार ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़े का बनता है। और थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन सब्ज़ी बहुत मज़े का बनता है, आप ज़रूर इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। एकदम सैम्पल है। तो मैं किचन तो साफ़ कर ली, मेरा खाना वाना सब बन गया था, तो मैं किचन सब पूरा साफ़ कर ली अच्छे से। उसके बाद मैं आई हूँ अभी हॉल साफ़ करने के लिए, क्योंकि सोफ़ा पे तैमूर ना कुरकुरे खाते हैं तो सब में गिरा देते हैं, तो मैं उसको झाड़ दूँगी। अभी मुझे नीचे भी जाना है, क्योंकि सिमरन को कुछ लेना है, उसकी फ्रेंड का ना बर्थडे है तो उसके लिए मुझे कुछ गिफ्ट लेना था। तो मैं अभी नीचे उतरूँगी झाड़ू लगा करके मार्केट नीचे में।
अच्छा लग रहा है। उसको क्या चाहिए? उसको चिज्जू चाहिए। चिज्जू चाहिए इसको। क्या चाहिए था मेरे को? चिज्जू। मैं बोले चिज्जू आपको बाहर मिलेगा। इधर आइए, इधर। तैमूर आपको क्या लेना है? हाँ नहीं।, नहीं कुछ नहीं तो चलिए घर चलिए, कुछ घर चलिए। तैमूर आपको क्या लेना बताइए? तैमूर बाबू को लेना है चिज्जू, है ना? फ्रेश है, मीठा होगा? मीठा है, गारंटी। गारंटी। सिमरन खोलो। ये सिमरन ब्रेसलेट ली है, अपने फ्रेंड को देगी। ज्यादा कुछ नहीं लिए, बस जरूरत का जो सामान के लिए नीचे उतरे थे ना वही सिर्फ लिए, क्योंकि अभी मेरे हाथ एकदम खाली है पैसा। मार्केट में जब निकलो ना तो इतना पसंद आने लगता है सामान सब, लेकिन सब पैसे का खेल है। हाँ हाँ ये मम्मा का एक ठो, मैं ये सिर्फ बिंदी ले ली छोटा ऐसा, मैं तो लगाती नहीं हूँ लेकिन ले ली, कभी कभी दिल करता है लगाने का। और ये वाले गले का लिए हल्का, क्योंकि आज सिमरन जाने वाली अपने फ्रेंड के बर्थडे में। बस खाली ये देगी गिफ्ट, और क्या ब्रेसलेट क्या हुआ? ये वाला ब्रेसलेट देगी और ये वाला गले का देगी, ये दोनों चीज देगी। एक डेयरी मिल्क ले लेगी, हो गया। एक ये दे दोगी, एक डेयरी मिल्क दे दोगी, हो जाएगा। हाँ बेटा अच्छे से पैक कर दो, अच्छा लग रहा है। मम्मा के लिए वो लगा रहे ना, लगाइए, बर्बाद ना करते, छोड़ दीजिए ना ना, कुछ बिंदी खराब हो जाएगा। सिमरन आ जा रही अपने फ्रेंड के बर्थडे में, मतलब घर में बर्थडे नहीं है, बर्थडे जो भी होता है वो जाएगी। ये लोग जा रही है वहाँ, कहाँ जा रही है सिमरन? डोमिनोज जा रही है, सब जा रही है, पार्टी, पिज्जा, बर्गर, यही सब उसकी फ्रेंड खिलाएगी, उसके बाद सिमरन चली आएगी। देखिए अच्छा लग रहा है, ब्रेसलेट है ये मैं उसको दूंगी और ये मैं अपने लिए। ये गोल्डन वाला दे देगी ना, तो कहा है ना कि उसमें मैच कर जाएगा, गले का जो है उसमें मैच कर जाएगा। तो मैं बोली एक वो वाला जो सिल्वर जो है तुम रख लो, गोल्डन वाला। तो हम लोग अभी सो के उठ गए, तैमूर अभी सो ही रहे बेड पर। देखिए बहुत ठंड बढ़ गया यहाँ, मुबशिर अभी सो के उठे है, देखिए अब फिर आ करके बेड पर सो गए। बहुत देर से ये सोफा पे ही सो रहे थे, क्योंकि मुबशिर को 6:30 बजे उठना पड़ा था, क्योंकि कराटा क्लास गए थे सुबह में, तो इसलिए सुबह में नींद सही से पूरा नहीं हुआ। छोड़ दीजिए, तैमूर बाबू को चिज्जू खाना है। चिज्जू खाना है आपको? नहीं तो कोई नहीं चिज्जू देगा, ठीक है? अब अभी आप बोल रहे हैं ना कैमरा में कि नहीं, अब आपको चिज्जू नहीं मिलेगा, ठीक है? मुबशिर का स्कूल से बुक भी आ गया, बुक में जिल्द भी मैं अभी तक नहीं लगाई हूँ। देखिए मुबशिर का बुक आ गया है, मंडे से मुबशिर का स्कूल खुल रहा है, 16 जनवरी से। हाँ बेटा अब ये सारे बुक, कॉपी और बुक ये सब है इसमें, बुक में तो जिल्द लगा देंगे, जिल्द भी स्कूल से मिल गया है। देखिए हाँ भैया का छोड़ दीजिए। हाँ बेटा तो मैं जिल्द लगा देंगे बुक में, आज रात में ही लगाना पड़ेगा क्योंकि टाइम नहीं है। कुछ आज लगा देंगे, कुछ कल लगा देंगे तो हो जाएगा, क्योंकि मंडे से फ्री स्कूल है, परसों से टाइम बिल्कुल नहीं है। ला बेटा इधर दो, इसमें रख दे, लाइए लाइए। ए हे चोट लग जाएगा, चोट लग जाएगा, लाइए इधर साइड में रख दे। भैया का बुक है फट जाएगा ना, भैया का बुक है फट जाएगा, उधर रख दे रहे साइड में। नहीं अभी तो आप बोले चिज्जू नहीं तो फिर नहीं मिलेगा, अभी आप बोले ना कि चिज्जू नहीं, आप तो अभी बोले ना नहीं, हम बोले आपको चिज्जू खाना था, आप बोले नहीं, हाँ तो फिर नहीं मिलेगा आपको चिज्जू, ठीक है? आपको कुछ नहीं मिलेगा चिज्जू जू, कुछ नहीं, ठीक है? हाँ नहीं कुछ नहीं मिलेगा आपको, नहीं मम्मा कुछ नहीं देगी आपको। हस्बैंड को ना ये मिला है, तिल संक्रांत था ना, 14 जनवरी था,
तो उनके कुछ फ्रेंड दिए हैं, दिखा रही हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये लाल है, देखिए, और ये जो है ना, ये तिल है, तिलकुट जिसे हम लोग बोलते हैं ना, ये तिलकुट है। एक मैं खा ली हूँ, चार पीस था। और ये देखिए, ये चूरा है, ये चूरा है नीचे, देखिए, ये मिला है मेरे हस्बैंड को तिल संक्रांति। तो गांव में कितना मिलता है, बांध दीजिए तो मुबशी, अच्छे से बांध दीजिएगा, नरम हो जाएगा। आप क्यों आए किचन में, आपको तो कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए? कुछ नहीं मिलेगा आपको। चलिए मम्मा चाय बनाएगी, मम्मा का सर बहुत दर्द। चलिए ना तो, हाँ चलिए। चलो ना तो बाहर, चलो ना किचन में से। चलो ना, मम्मा पपीता लाई है ना, पपीता छीलेगी। अरे पापा चलो ना, परेशान ना, इधर कुछ नहीं है। अब कुरकुरे चिप्स सब खा चुके हैं। क्या मिला है किचन में दिखा दी, टू पीस है, देखिए देखिए, टू पीस है, टूटा हुआ नहीं बेटा, वो वैसा ही है, हाँ वैसा ही है। कुरकुरे आपका गिर गया, कुरकुरे ले लीजिए जल्दी से। हाँ हाँ, चलिए सोफा पर बैठ के खाइएगा, तो मामा चाय बनाएगी, ठीक है? चलिए सोफा पर, ये लो, एकदम मेहमान बन के खा लो। थैंक यू बोले मम्मा को, हाँ थैंक यू बोलिए। एक पीस मम्मा ले ले, ये वाला मम्मा ले ले, ठीक है? गिराइएगा नहीं, ठीक है? ठीक है, ठीक से खाइए। पापा के लिए तरह रहा है चूरा, और यहाँ चाय। बाबू खा रहे हैं चूरा, कैसा बेटा? अच्छा है। तो मैं लगा रही हूँ मुबशरी के बुक में जेल, अभी यहाँ तीन तो मैं लगा ली हूँ। अभी यार कितने सारे बुक है मुबशरी, बहुत है, और बस अब आज जो बाकी है उसमें भी लगा लेती हूँ, क्योंकि मंडे से मुबशर का स्कूल खुल रहा है तो टाइम बिल्कुल नहीं है, सैटरडे ऐसे ही निकल गया। बस इस वीडियो का अब मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ, कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बस अपना बेहद ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय कीजिए, देखो बाय कीजिए, अल्लाह हाफिज़ बोलिए, अच्छा देंगे आपको, देंगे पहले बाय, अल्लाह हाफिज़ बोलिए बाय, वहाँ देख करके अल्लाह हाफिज़, लाइक सब्सक्राइब, आप मूड में नहीं है।